हेलो फ्रेंड, तो अब आप लोगों को मौज ऐप चलाते हो या मौज लाइट ऐप चलाते हो, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर में आप लोगों के प्रोफाइल पे, आप लोगों के अकाउंट पे लाइव ऑप्शन को इनेबल करा दिया जाएगा। चाहे आप मौज ऐप चलाते हो या मौज लाइट ऐप चलाते हो, दोनों ऐप पर सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर में आपके प्रोफाइल आपके अकाउंट पे लाइव ऑप्शन मिल जाएगा। फिर ये बात है, देखिए आखिर आपके अकाउंट पर लाइव ऑप्शन मिलेंगे कैसे और किस तरीके से आपको अपने प्रोफाइल पर 24 घंटे में लाइव ऑप्शन लेना है, उसके लिए आप लोगों का एक फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, जिस फॉर्म का लिंक आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को फॉर्म फिल करना बताता हूँ, जिससे कि आप लोग फॉर्म फिल करते समय कोई भी गलतियाँ ना करो। अगर आप लोग फॉर्म फिल करते समय कोई गलतियाँ कर देते हो तो आप वहाँ से रिजेक्ट हो जाओगे, और जब आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे तो आपको लाइव ऑप्शन नहीं मिलेंगे 24 घंटे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्म फिल करना जानते हैं, उसके लिए अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक किया तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए और पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मौज एप्लीकेशन से रिलेटेड काफी सारे नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए देर न करके चलते हैं सीधे फॉर्म पे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के फॉर्म पे इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहां पे अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन हो जाना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, जैसे नीचे आएंगे यहां पर देखेंगे तो आप लोगों से बोला जाएगा यूनिक आईडी। अब यहाँ पर जो आप लोगों को यूनिक आईडी डालना है उसको ध्यानपूर्वक डालना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने गलत यूनिक आईडी डाल दिया तो आप लोगों को मौज एप्लीकेशन के तरफ से लाइव ऑप्शन नहीं मिलेगा या मौज लाइट ऐप के तरफ से भी लाइव ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे जो डालना है, छोटा वाला सी डालना है, उसके बाद छोटा वाला वाई डालना है, उसके बाद आप लोगों को 2 लिख देना है, उसके बाद आप लोगों को 666 लिख देना है, यानी कि CY266 आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप लोगों को नीचे तक में स्क्रॉल करना है, जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों से बोला जाएगा लाइव स्ट्रीमर नेम। अब सबसे पहले आप लोग क्या करना है, जो भी आप लोग का नाम है वही नाम यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो मेरा नाम है राजू, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं राजू कुमार लिख देता हूँ। जो भी आप लोग का नाम है वही नाम आप लोग को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आप लोग को नीचे तक स्क्रॉल करना है, जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों से बोला जाएगा लाइव स्ट्रीमर सिटी। अब यहाँ पे आप लोगों को अपना सिटी डालना है, तो जिस भी आप लोग सिटी थे तो आप लोग को यहाँ पे अपना सिटी डाल देना है। उसके बाद आप लोगों को नीचे तक स्क्रॉल करना है, जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों से बोला जाएगा क्रिएटर स्टेट। अब यहाँ पे आप लोगों को अपना जो स्टेट लिखना होगा, तो जिस भी स्टेट हो आप लोगों को यहाँ पे अपना स्टेट लिख देना है। उसके बाद आप लोगों को नीचे तक में स्क्रॉल करना है, जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों से बोला जाएगा एज। अब यहाँ पे आप लोगों को अपना एज सेलेक्ट करना है, पर आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आप लोगों ने 18 मिनट सेलेक्ट कर लिया तो आप लोगों का फॉर्म यहीं से रिजेक्ट हो जाएगा और आपको मौज एप्लीकेशन पर लाइव ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने मौज के अकाउंट पे 18 प्लस उम्र सेलेक्ट कर लेना है, एज सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ये तीनों में से कोई एक एज सेलेक्ट करना है, जिसमें कि आप लोग 18 से 30 सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों को मिनोर सेलेक्ट नहीं करना, अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो आप लोगों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को नीचे एकदम स्क्रॉल करना है, जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों से बोला जाएगा मौज लिंक। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना मौज का प्रोफाइल लिंक डालना होगा, इसके लिए आपको सिंपल यहाँ से बैक आना है। बैक करने के बाद आपको क्या करना, अपने मोबाइल फोन में मौज एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो मौज वीडियो का वॉइस थोड़ा कम कर देता हूँ, जिससे कि हमारी आवाज लोगों को क्लियर और साफ सुनाई देगा। चलिए जब तक मौज एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक किया तो लाइक कर लेना, चैनल पर नया और पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। तो हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग मौज एप्लीकेशन का यूज करते हो तो मौज का प्रोफाइल लिंक डालोगे, या अगर आप लोग मौज लाइट ऐप का यूज करते हो तो मौज लाइट ऐप का प्रोफाइल लिंक यहाँ पे ऐड करना। आप लोग जिस भी एप्लीकेशन को यूज करते हो उसी का आप लोगों को प्रोफाइल लिंक डालना होगा। सेम एप्लीकेशन है, आप लोग देखोगे तो ऊपर के तरफ में आप लोगों को यहाँ पे एक थ्री लाइन का ऑप्शन नजर आएगा। सिंपल आपको थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे कि लोग थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पर देखोगे तो आप लोगों को शेयर प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आएगा। सिंपली आपको शेयर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे लोग शेयर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन नजर आएगा। सिंपली आपको कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी कि आप लोगों को अपना प्रोफाइल लिंक यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद फिर से आपको क्या करना है, अपने फॉर्म पे आ जाना है। फॉर्म पे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों से बोला जाएगा आपका उत्तर, इस पर आप लोगों को थोड़ा देर तक प्रेस करना है, और पेस्ट का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको पेस्ट कर देना, यानी कि आप लोगों को अपना मौज का प्रोफाइल लिंक यहाँ पे ऐड कर देना है या मौज लाइट ऐप का प्रोफाइल लिंक यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद आप लोगों को नीचे एकदम स्क्रॉल करना है, जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों से बोला जाएगा इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना इंस्टाग्राम का प्रोफाइल लिंक डालना होगा। उसके लिए तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से बैक आना है, और बैक करने के बाद आपको क्या करना, अपने फ्रेंड के
मोबाइल में इंस्टाग्राम को ओपन करना होगा। उसके लिए आप लोग करना क्या होगा, आपको अपने फ्रेंड के मोबाइल में जाना है, इंस्टाग्राम को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करना। नीचे देखेंगे तो अब जब आपके अपने फ्रेंड के फोन में जाएंगे तो सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है, और सर्च वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है अपने फ्रेंड के फोन में आपको अपना आईडी को सर्च करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा यहाँ पर राजू कुमार है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ यहाँ पर राजू कुमार यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो मेरा आईडी आ चुका है। अब उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को थ्री डॉट का आइकन नजर आएगा, सिंपली आपको थ्री डॉट वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। जैसे थ्री डॉट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉपी प्रोफाइल यूआरएल, सिंपली आपको कॉपी प्रोफाइल यूआरएल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यानी कि आप लोगों को अपने प्रोफाइल का यूआरएल निकालना है, तो आपको अपने फ्रेंड के फोन में जाकर ये यूआरएल निकाल सकते हो, आप अपने फोन से नहीं निकाल सकते हो। तो फाइनली आपको अपना यूआरएल निकाल के सिंपली यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको अपने फॉर्म पे आ जाना है। फॉर्म पे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को आपका उत्तर देखने को मिलेगा, इस पे थोड़ा देर तक आपको प्रेस करना है। जैसे लोग प्रेस करोगे आपके सामने पेस्ट का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों का इंस्टाग्राम का यूआरएल पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को नीचे तक स्क्रॉल करना है। जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों से बोला जाएगा इंस्टाग्राम फॉलोवर्स। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से अपने इंस्टाग्राम पर आना है, और यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को अपना जो है फॉलोवर देखने को मिलेगा। सो फाइनली यहाँ पे मेरा लिए जब तक ओपन हो रहा है, अब यहाँ पर देखिए ये जो मेरा फॉलोवर्स आप लोग लाइव प्रोजेक्ट हो कि यहाँ पे 1902 फॉलोवर्स है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपना जो फॉलोवर्स पे चला जाऊँ, यानी कि फिर से फॉर्म पे आ जाएंगे, और फॉर्म पे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपका उत्तर देखने को मिलेगा। इसी पे आप लोगों का जितना भी फॉलोवर्स है उतना फॉलोवर्स आपको लिखना होगा। सो फाइनली मेरा 1902 था, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा 1902 फॉलोवर्स टैप कर दिया है। उसके बाद आप लोगों को नीचे तो मैं स्क्रॉल करना है। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप लोगों से बोला जाएगा एनी अदर एक्साइटिंग लाइव प्रोफाइलिंग। अगर आप लोग अदर किसी भी लाइव स्ट्रीमिंग ऐप को यूज करते हो तो उसका यहाँ पे प्रोफाइलिंग डाल सकते हो, जिससे कि आप लोगों को 24 घंटे के अंदर में लाइव स्ट्रीमिंग मिल जाए। पर अगर आप लोग अदर किसी भी लाइव स्ट्रीमिंग ऐप को नहीं जानते हो तो सिंपली आप लोग करना क्या होगा कि यहाँ पे एन लिखना होगा, और उसके बाद आप लोगों को ए लिख देना, यानी कि आप उसको आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों से बोला जाएगा जेंडर। अब यहाँ पे आप लोगों को अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, तो ध्यान रहे कि आप लोगों को एक चीज सेलेक्ट नहीं करना है जो कि यहाँ पे के आई डी है किड, ये आपको सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बच्चे के लिए है और आपको पसंद पे बच्चों को लाइव नहीं मिलता है, तो आप लोगों को ये किड नहीं सेलेक्ट करना है। आप लोगों को यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे मेल हो गया तो मेल सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप लोग जेंट्स हो तो मेल सेलेक्ट करना, अगर आप लोग लेडीज हो लड़के हो तो आप लोगों को फीमेल सेलेक्ट करना है। सो फाइनली यहाँ पे मैं जेंडर हूँ, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ मेल सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं जेंट्स हूँ। उसके बाद हम लोग नीचे तरह स्क्रॉल करेंगे। जैसे नीचे तरह में आएंगे यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों से बोला जाएगा लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी आप लोगों का लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी, बंगाली, भोजपुरी, इंग्लिश, गुजराती, तो जो भी आप लोगों की भाषा है उस लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट करना होगा। सो फाइनली मेरा जो लैंग्वेज है हिंदी है, तो मैंने यहाँ पे हिंदी को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप लोगों को नीचे तरह स्क्रॉल करना है। जैसे कि नीचे आएंगे यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों से बोला जाएगा डेमोग्राफी। अब यहाँ पे आप लोगों को डेमोग्राफी में क्या सिलेक्ट करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों का अर्थव्यवस्था है, जैसे कि आप लोग किसी भी शहर में रहते हो और गांव में रहते हो, जैसे कि सेम प्रोसेस है, तो आप लोग इसको फर्स्ट सेलेक्ट करो। अगर आप लोग केवल केवल शहर में रहते हो जहाँ पे मेट्रो सुविधा, तो आप लोग यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट करोगे, पर अगर आप लोग गाँव से हो तो आप लोगों को रूरल सेलेक्ट करना है। सो फाइनली मैं यहाँ से गाँव से हूँ, तो मैं रूरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग नीचे तक मैं स्क्रॉल करेंगे। जैसे कि नीचे तक मैं आएंगे यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों से बोला जाएगा यहाँ पे कैटेगरी। अब यहाँ पे आप लोगों को अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ठीक है अपने, जैसे कि मोज पे या मोज लाइट पे आप किस तरीके का कंटेंट अपलोड करते हो। सो फाइनली मेरा यहाँ पे कॉमेडी है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉमेडी लिख देता हूँ। तो जो भी आप लोगों की कैटेगरी है उस कैटेगरी को यहाँ पे लिख देना होगा, ध्यान रहे आपको अपना कैटेगरी गलत नहीं लिखना है। उसके बाद आप लोगों को नीचे एकदम स्क्रॉल करना है। जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों से बोला जाएगा क्रिएटर फोन नंबर। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना एक कॉलिंग नंबर डालना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोगों ने कॉलिंग नंबर गलत डाल दिया तो आपको जो बोनस मिलने वाले हैं और आपका जो पेमेंट होगा वो नहीं मिल पाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे अपना एक कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, जिससे कि आपके पास टीम कनेक्ट करे, और टीम कनेक्ट करने के बाद आपका जो भी पेमेंट होता है, जितना आपका पैसा होता है, वो आपको रिसीव हो पाए। तो आपको यहाँ पे अपना कॉलिंग नंबर डाल देना है। डालने के बाद उसके बाद आप लोग करना क्या होगा, नीचे देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे जो है एक सबमिट का ऑप्शन नजर आएगा। पर उससे पहले आप लोग देखोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एनी कमेंट।
अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है इस फॉर्म से रिलेटेड, या आपके मन में कुछ चल रहा है, या अगर आप लोगों का एमएफसी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि मेरा एमएफसी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिससे टीम आपका प्रोफाइल रिव्यू करके और आपके सिलेक्शन से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो वो सॉल्व कर सके। तो आप लोगों को यहाँ पे वो लिख सकते हो। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, एमएफसी लिख देता हूँ। अगर आपका कोई डाउट है तो लिख सकते हो, पर मेरा तो कोई डाउट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एनए यहाँ पे भी लिख देता हूँ, मेरा कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हम लोग नीचे एकदम आएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट में आपको देखने को मिलेगा सबमिट करें। अब आपको करना क्या होगा, सबमिट करें वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे लोग सबमिट करें वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर देखोगे तो लिख के आ चुका है आपका जवाब रिकॉर्ड कर लिया गया, यानी कि आपका जो जवाब है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है। अब आप लोगों को 12 से 24 घंटे का वेट करना है और आपके अकाउंट पे लाइव ऑप्शन मिल जाएगा, चाहे मौज हो या मौज लाइट मैटर नहीं करेगा, आपके अकाउंट पे लाइव ऑप्शन मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया और पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मौज ऐप या मौज लाइट ऐप से रिलेटेड काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज़ और बताना भूल गया था, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग इस फॉर्म को फिल कर रहे हो और आपको लाइव ऑप्शन मिल जा रहा है, तो इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आप लोगों को जो बोनस मिलने वाले हैं उन टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। चलिए आज के वीडियो पर समाप्त करता हूँ।